हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सृष्टि। इन टुडेज सेशन वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस। आज के सेशन में हम सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान से प्रीवियस ईयर पेपर के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम क्वेश्चंस के आंसर, उनके रेफरेंसेस एंड उनके कुछ काउंटर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम आपका आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत अम्ल डारिम इज। सुश्रुत संहिता के अनुसार अम्ल डारिम है। तो इस क्वेश्चन में का रेफरेंस क्या है? सुश्रुत सूत्र 46/142। तो फर्स्ट डे हम डिस्कस करते हैं कि सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान में टोटल चैप्टर्स यानी कि अध्याय की संख्या कितनी है। तो कुल अध्याय है सुश्रुत सूत्र में 46 और चरक सूत्र में 30। तो इस क्वेश्चन का रेफरेंस है 46/142। इसमें पूछा गया है कि अम्ल डारिम, ये इसमें फीचर्स बताए गए हैं, तो अम्ल डारिम का फीचर क्या है इसमें? ऑप्शन वन है वातश्यामक, सेकेंड इज कपश्यामक, थर्ड इज वात कफ श्यामक एंड फोर्थ इज त्रिदोष श्यामक। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है वात कफ श्यामक। ओके, एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या क्या बोला गया है और दाढ़ी के बारे में। कषाय अणुरसम तेषाम दाढ़िमं न अति पित्तलम दीपनीयम रुचिकरम हृदयम वर्चो विबंधनम दुविधम ततु विज्ञेयम मधुरम च अम्लमेव च त्रिदोषग्नम तु मधुर अम्लम वात कफा पहम। ठीक, तो कषाय इसका रस है, ठीक है, न अति पित्तलम टिप्पणी है, रुचिकर है, हृदय है, वर्चो विवर्धनम, ठीक, मधुर च अम्लमेव च त्रिदोषग्न है, तु मधुर अम्लम वात कफा पहम। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत कृष्णो उन्नत वृणता इज द कैरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दग्ध। सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित अधोलिखित दग्ध में से कृष्ण उन्नत वृणता किसका लक्षण है? तो इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र 12/8। ऑप्शन क्या है? त्वक, मांस, सिरा स्नायु, अस्थि सन। इसका आंसर देखेंगे एंड द राइट आंसर इज सिरा स्नायु। देखते हैं चारों दग्ध के बारे में। तो अब तो दग्ध के लिए क्या फीचर बोला गया है? शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता, त्वक संकोच, त्वक दग्ध। तो त्वक दग्ध के लक्षण में ये तीन फीचर्स बोले। मांस दग्ध में क्या बोला है? कपोत वर्णता, अल्प शवदु वेदना, शुष्क संकुच दृढ़ता चा मांस दग्ध। सिरा स्नायु दग्ध में कृष्णो उन्नत वृणता स्राव सन्निरोधश्च सिरा स्नायु दग्ध। नेक्स्ट संधि अस्थि दग्ध में क्या बोला है? रुक्ष अणुता, कर्कश अस्थि व्रणता चा कर्कश स्थिर व्रणता चा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत विच शस्त्र इज यूज्ड फॉर लेखन कर्म। सुश्रुत के अनुसार कौन सा यंत्र लेखन कर्म में प्रयुक्त होता है? ठीक है, कौन? तो इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र 8/4। ऑप्शन है फर्स्ट इज वृद्धि पत्र शस्त्र, सेकेंड इज व्रीहिमुख शस्त्र, थर्ड इज त्रिकूर्चक एंड फोर्थ इज मंडलाग्र शस्त्र। एंड द राइट आंसर इज मंडलाग्र शस्त्र। लेखन कर्म के लिए कौन सा प्रयुक्त होगा? मंडलाग्र शस्त्र। देखते हैं क्या क्या बोला गया। मंडलाग्र शस्त्र का इंडिकेशन है छेदन और लेखन के लिए। वृद्धि पत्र शस्त्र का इंडिकेशन है छेदन, भेदन, पाटन। त्रिकूर्चक का है श्रावण। व्रीहिमुख शस्त्र का है सिराभेद और उदरभेद। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत सीवन कर्म इज इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्रण। सीवन कर्म किस प्रकार के व्रण में निर्दिष्ट है? तो रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र 25/16 एंड ऑप्शन इज क्षार अग्नि विशिष्टता, सेकेंड चल संधि व्रपाष्ट्रता, थर्ड इज अंतर लोहिता शल्यज एंद फोर्थ इज मारुत वहिता। राइट आंसर इज चल शक्ति व्यपाश्रित।
क्या क्या इंडिकेशन सीवन तरंग की बोली गई है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सीव्या वेदा समस्ताश्च भिन्ना सुलिखित गदा सद्दो वर्णश्चय जय चल चंदी व्यपाश्रित। ये इसके सीवन तरंग के इंडिकेशन है, कहाँ कहाँ में सीवन कर्म करना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या बोले गए हैं? ना शारे अग्नि विशिष्टा, ना चा मारुद्वाहिना, ना अंतर लोहित शल्यश्च तेषु सम्यक विशोधना। ठीक, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत गैरिकोद प्रतिकाश किस दोष से दुष्ट रक्त का लक्षण है? ठीक है, तो इसका रेफरेंस है 14/21। फर्स्ट इज वात दुष्ट, सेकंड इज पित्त दुष्ट, थर्ड इज कफ दुष्ट एंड फोर्थ इज त्रिदोष दुष्ट। राइट आंसर है कफ दुष्ट। देखते हैं वातेन वात दुष्ट के लिए क्या बोला है। तत्र फेनिलम अरुणम कृष्णम परुषम तनु शीघ्रम अस्कंदी च। पित्त दुष्ट के लिए बोला है नीलम पीतम हरितम श्यामम विश्रम अनिष्टम पिपलिका माक्षिक माक्षिकाणम अस्कंदी च। ठीक, ये अस्कंदी अस्कंदी दोनों में आया है, वात में भी और पित्त दुष्ट। श्लेष्म दुष्ट के लिए क्या है? गेरिकोद प्रतिकाशम स्निग्धम शीतलम बहिलम विचलम चिरस्रावी मांसपेशी प्रभो चा श्लेष्म दुष्ट। संनिपात के लिए क्या है? सर्वलक्षण संयुक्तम कांजिकाप कांजिकाभम याद रखना है संनिपात दुष्ट के लिए, और मांसपेशी प्रभ इज फॉर श्लेष्म दुष्ट। विशेष तो दुर्गंधि चा संनिपात दुष्ट दुई दोष लिंग का उपसंश्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्वाथ युक्त रसवस्ती में प्रयुक्त होता है? तो युक्त रसवस्ती में कौन सा क्वाथ प्रयुक्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट इज दशमूल क्वाथ, सेकेंड इज कुबुचि क्वाथ, थर्ड इज एरिड मूल क्वाथ एंड फोर्थ वन इज त्रिपला क्वाथ। इसका राइट आंसर है एरिड मूल क्वाथ। सेवेंथ क्वेश्चन, मैथ ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, सूची एक में लिस्ट वन में क्या दिया है? जो है मूत्र दिए गए, लिस्ट टू में उसके गुण बताया गया, तो फिर मैच करना है किस मूत्र का कौन सा गुण। तो ए क्या है? माहिष मूत्र, बी कारक मूत्र, सी इज अश्वमूल, डी इज गर्दभ। एंड गुण कर्म में क्या दे रखा है? फर्स्ट उन्माद नाशक, सेकेंड पांडु रोग नाशक, थर्ड इज गर चेतु विकारग्नम एंड फोर्थ वन इज वात चेतु विकार। तो यहाँ पे हमें मूत्र देखना है किसका क्या है गुण। ठीक, इसके रेफरेंस है शुश्रुत सूत्र 46/222, 225, 227 एंड 228 एंड द राइट आंसर इज सेकंड। तो कैसे कैसे है? ए का है माहिष मूत्र का है, सेकंड पांडु रोग नाशक। माहिष मूत्र को क्या बोला गया है? पांडु रोग नाशक। ठीक, अब इसको हमें इस क्वेश्चन को हमें चरक सूत्र एक से जहाँ पे मूत्र बताए गए अश्वमेध मूत्र के फीचर्स और वो बताए गए उससे हमें कोरिलेट करते हुए ये देखना है कि वहां पे माहिष मूत्र का क्या फीचर था, ठीक है, वहां क्या था खर मूत्र का फीचर। ठीक है, तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम आंसर देख लेते हैं, बी कारक मूत्र का क्या है? उन्माद नाशक। ठीक है, सी अश्वमूत्र का क्या है? गर चेतो विकारक। डी गर्धव मूत्र का क्या है? वात चेतो विकार नुत। ठीक, अब हम देखते हैं, अब हमें इसमें आपको बताती हूँ, आपको पता होगा कारक मूत्र किसको बोलते हैं। ठीक है, कारक मूत्र किसको बोलते हैं? ऊट, ऊटनी का जो मूत्र होता है उसको कारक मूत्र बोलते हैं, और गर्दभ किसको बोलते हैं? गधी का मूत्र। ठीक है, तो माहिष मूत्र के लिए सुश्रुत में क्या बोला गया है? तुरनामो उदर शूलेषु पुष्ट मेघ विशुद्धेशु आनाह सोफ गुल्मेषु पांडु रोगे च माहिषम। चरक में याद करिए माहिष मूत्र के लिए क्या बोला गया था। एक तो सबसे पहले उसका क्या रस है, क्या बोला गया उसको? क्षार, क्षार युक्त, क्षार था ना उसका रस, तो क्षार। और उसके लिए क्या बोला गया था, किसमें वो यूज होता है? अर्श शोफ उद्रग्न। ठीक है, अर्श शोफ उद्रग्न। और यहाँ पे क्या बोला गया है? पुष्ट मेघ विशिद्धेषु आना शोक गुल्मेषु पांडु रोगे चा पांच। अश्वमूत्र के लिए क्या बोला है? दीपनम कटु तीक्ष्णम वात चेतु विकारिणम आश्व कफ हरम मूत्रम कृमि कृमि ददृशु शस्यते। ठीक है, अश्वमूत्र के लिए हमारे वाजी के लिए वाजी बोला है चरक ने, तो उसके लिए क्या था? तिक्त कटु सा रस होता है। और क्या था चरक ने बोला है? पुष्ट व्रण विषापह। गार्दव मूत्र के देख देखते हैं, गार चेतो विकारग्नम तीक्ष्णम ग्रहिणी रोगनुत दीपनम गार्दव मूत्रम कृमि वात तपापः। ठीक है, गधी का मूत्र,
ने क्या बोला है? शोफ कुष्ठोदर उन्माद मारुत क्रीमी नाशनम अर्शोभनम कार्बम मित्रम मानुषम च विषाक। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। संधि विश्लेष गात्र शतक दोष चय क्रिया संधिरोध ये किसके लक्षण? तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं टीचर्स, ये किसके लक्षण? तो इसका रेफरेंस है सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान 15:29। द ऑप्शन आर ओज क्षय, ओजो मेह, ओज विसरंस, ओज व्यापक। एंड द राइट आंसर इज ओज विसरंस। तो यहाँ पे हमारे ओज विसरंस, ओज व्यापक और ओज क्षय हमने तीनों किया है। तो संधि विश्लेष गात्रणाम सदिनम चोश्चरण क्रिया संधिरोधश्च ये क्या है? संधि ओज विसरंस का लक्षण। ओज व्यापन का क्या है? सप्त गुरु गात्रता वात शोफो वर्ण भेदो ग्लानि स्तंद्रा निद्राचा व्यापन है, ये ओज के व्यापन है। ओज क्षय होने पे क्या फीचर होते हैं? मूर्छा मांस सयो वो प्रलापो मरणम इति चाचय। क्वेश्चन नंबर 9। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन सा कर्पूरा जलौका का लक्षण? इसका रेफरेंस है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 13:11। फर्स्टली हम लोग को पता होना चाहिए जलौका का डिवीजन क्या है, साविष एंड निर्विष जलौका। टोटल जलौका कितनी है? 12। तो 6 साविष साविष जलौका है, 6 हमने निर्विष जलौका की कैटेगरी में डिवीजन किया है। अब सबको पता होना चाहिए कर्पूरा कौन सी कैटेगरी में आती है, ठीक है? कर्पूरा जो जलौका है वो साविष जलौका है या निर्विष जलौका है, ठीक है? तो इसके ऑप्शंस में क्या है? फर्स्ट इज अंजन चूर्णवर्णा, सेकंड इज छिन्न उन्नत पक्षी, थर्ड इज गोवृषण वधोभाग, फोर्थ इज कृष्णमुखी। तो राइट आंसर है इसका छिन्न उन्नत पक्षी। देखते हैं यहाँ पे हमने साविष जलौका कौन कौन सी है हमारी, कृष्ण कृष्णा कर्पूरा अलगर्दा इंद्रायुधा सामुद्रिका एंड गोचंदना, ठीक है? देखते हैं कि का किस किस का क्या फीचर। कृष्णा के लिए क्या बोला गया है? कृष्णा जलौका के लिए तासु अंजन चूर्ण वर्णा ऋतु शिरा कृष्णा, ठीक है? अब कर्पूरा के लिए क्या बोला गया है? वर्मी मत्स्य विधायता छिन्नो उन्नत कुक्षी कर्पूरा। थर्ड इज अलगर्दा, अलगर्दा के लिए क्या बोला गया है? रोमशाह महापार्श्वा कृष्णमुखी अलगर्दा। इंद्रायुधा के लिए क्या बोला गया है? इंद्रायुधा ऊर्ध्वराजी चित्रा इंद्रायुधा। सामुद्रिका के लिए ईषद असित पीतिका विचित्र पुष्पाकृति चित्रा सामुद्रिका। एंड लास्ट वन इज गोचंदना। तो गोचंदना गो से गो ये हमको देखना है, गोचंदना गोवृषण अधोभाग भागे द्विधा भूताकृति अणुमुखी, ठीक है? अणुमुखी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अणुमुखी कौन सी जलौका है? तो गोचंदना। फिर हमारी छह आती है निर्विष जलौका। निर्विष जलौका में क्या क्या है? सबसे पहले कपिला। तो कपिला के लिए क्या है? कपिला के लिए बोला मनाशिला, तो कपिला मनाशिला, ठीक है? लाला से याद रखना है। तो मनाशिला रंजिता भ्यासिन पार्श्वभ्याम पृष्ठे स्निग्धा मुद्गवर्णा कपिला। अब मुद्गवर्णा हमारी दो उसमें आ रही है जलौका में, एक तो आ रही है कपिला में और एक आएगी हमारी पुंडरीक मुखी में मुद्गवर्णा। तो हमें याद रखना है कपिला और पुंडरीक मुखी दोनों में मुद्गवर्णा का फीचर है, और अलग क्या फीचर हो गया कपिला में? मनाशिला रंजित। फिर आया पिंगला, पिंगला के लिए क्या है? किंचित रक्ता वृत्त का आया पिंगल आशुगा चा पिंगला। थर्ड इज शंकुमुखी, इसके लिए बोला गया यकृत वर्णा शीर्घवाहिनी दीर्घ तीक्ष्ण मुखी शंकुमुखी। और फिर फोर्थ है हमारी मूषिका, मूषिका के लिए क्या है? मूषिका आकृति वर्णा अनिष्ट गंधा चा मूषिका, अनिष्ट गंधा द फीचर ऑफ मूषिका। एंड फिफ्थ इज पुंडरीक मुखी, तो वही मुद्गर वर्णा पुंडरीक तुल्य वक्त्रा पुंडरीक। एंड लास्ट वन इज सावरिका, तो सावरिका में क्या आएगा? स्निग्धा पद्म पत्र वर्णा अष्टदशांगुल प्रमाण सावरिका। तो अष्टदशांगुल प्रमाण वाली जलौका कौन सी है? सावरिका जलौका। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मर्मच्छद का है? मर्मच्छद यानी कि मर्मवीर का क्या लक्षण, ठीक? रेफरेंस है सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान 25:34। ऑप्शन आर कुब्जता पर्व भेद संलयन तुमूल ऊर्जा। द राइट आंसर इज संलयन। तो देखते हैं क्या फीचर बोला गया हमारा मर्मच्छद का। भ्रमा प्रलापा पतनम प्रमुखम विश्चेष्टना सनलो सनलयनो उष्णते चा शस्त्र स्थांगता मूर्छा ऊर्ध्वात स्त्रीवा ऊजो वात विस्तृताश्च तास्यता मांसोदकाभं रुधिरं गच्छते
सर्वेन्द्रिया अर्थो परमेश दशांगत संग संख्येश्वर भी ही शतेषु सामान्यतो तो मर्मसु लिंग मुक्तम। तो संलयनों से यहाँ से क्वेश्चन पुट हुआ है परिचय का ये लक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सुश्रुत के मत अनुसार कौन से महाभूत पित्त दोष को शांत करता है? तो यहाँ बोला गया कौन सा महाभूत महाभूत जो है वो पित्त दोष को शांत करता है, पैसिफाई। तो रेफरेंस क्या है? सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 41/11। फर्स्ट ऑप्शन भू प्लस वारी, सेकेंड इज भू प्लस वायु, थर्ड इज भू प्लस अम्बु प्लस वायु एंड फोर्थ इज वारी प्लस आकाश प्लस। तो राइट आंसर है इसका भू प्लस अम्बु प्लस वायु। तो यहाँ हम देख लेते हैं वात को पित्त को कफ को कौन कौन शमन नहीं करते हैं, को शांत करते हैं। क्या क्या है? भू तेज और वायु किसके लिए शमयति? वात को शमन करते हैं। भू अम्बु और वायु किसको? पित्त को शमन करते हैं। पृथ्वी तेज और अनिल जो है किसको शमन करते हैं? सॉरी, ख तेजो और अनिल किसको? कफ को शमन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सुश्रुत अनुसार विरेचन द्रव्यों का पांच भौतिक संघटन क्या है? तो विरेचन द्रव्यों का पांच भौतिक संघटन बताना है और इसका रेफरेंस है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 41/10। ऑप्शन फर्स्ट इज पृथ्वी प्लस अग्नि, सेकेंड इज पृथ्वी प्लस जल, थर्ड इज वायु एंड फोर्थ वन इज वायु प्लस अग्नि। राइट आंसर है ऑप्शन 2 पृथ्वी प्लस जल। तो विरेचन द्रव्यों का क्या है पंचभौतिक संघटन? पृथ्वी प्लस जल। ठीक है, इसलिए इनकी अधोगति होती है। और सेकेंड क्या है? वमन का अग्नि प्लस वायु, इसीलिए इनकी ऊर्ध्वगति। क्वेश्चन नंबर 13, सूत्र अनुसार व्रण शोफ की किस अवस्था में अल्पशोफता लक्षण पाया जाता है? रेफरेंसेस सूत्र स्थान 17/7 एंड 9। श्लोक फर्स्ट ऑप्शन है आम एवं पचमान, सेकंड इज आम एवं पप, थर्ड इज पचमान एंड फोर्थ वन इज पचमान एवं पप। राइट आंसर आम एवं पप। देखते हैं यहाँ पे तीनों शोफों के लक्षण। आम शोफ में क्या है? मंद उष्णता, त्वक सवर्णता, शीत शोफता, स्थर्यम, मंद वेदना वेदना, अल्प शोफता, च आम लक्षण समुपदिष्ट। तो मंद ही उष्मा होगी, मंद ही शोफ वेदना होगी, अल्प शोफ होगा और त्वक के समान वर्ण होगा जो स्किन का, शीत शोफता होगी और स्थर्य होगा। पच्यमान शोफ में क्या होगा? सूची भी निस्तुद्यते दश्यते इव पिपलिका भी ताभिश्च संस्पर्शत इव छिद्यत इव शस्त्रेण भिद्यत इव शक्ति भी स्थाद्यत इव दंडेन पीड्यत। ये सब इसके फीचर्स है कि कैसा कैसा सेंसेशन किस टाइप का पेन पेशेंट को फील होगा, कि डंडे से कोई मार रहा है, शक्ति से कोई भिदर कर रहा है, पिपलिका चल रही है, ठीक है, बिजली की तरह कुछ लग रहा है। ठीक है, इव आंगुल्या दहते पच्यते जिव अग्नि शार अभ्यास ओष चोष परिधा। ओष चोष परिधा फीचर पच्यमान में आएगा। वृश्चिक विद, वृश्चिक के विद ऐसा लग रहा है जैसे बिच्छू ने काटा हो, ये भी फीचर पच्यमान शोफ का है। ठीक है, आदमात वस्ती वारी वातश्च शोफ भवती त्वक वैवर्ण्य। यहाँ पे क्या हो गया? त्वक का वैवर्ण्य हो गया। शोफ अभिवृत्ति, शोक की वृद्धि होगी। ज्वर दहा पिपासा, भक्ति भक्त अरुचि, खाने में कोई भी अरुचि नहीं है उसको, भक्त अरुचि। ठीक है, कैसी? ज्वर दहा पिपासा हो रहा है और शोफ की वृद्धि हो रही है। ये क्या है? पचमान शोफ के लक्षण है। पक्व शोफ में क्या बोला गया है? अब वो शोफ पक गया है तो वेदना उपशांति, वेदना की शांति हो गई। पांडुता, पांडुता कलर, अब यहाँ पे पीछे कैसा हो गया स्किन का? पांडुता, वहां पे त्वक सवर्ण था आम शोफ में। पचमान में क्या हुआ? हमारा कैसा हो गया पीछे? पचमान शोफ में ओष्ठोष परिदाह हुआ, ठीक है, त्वक वैवर्ण्य हो गया, एंड पक्व शोफ में हो गया पांडुता। ठीक है, अल्प शोफता, यहाँ पे भी अल्प शोफता, वली प्रादुर्भाव परिपुटनम, वली प्रादुर्भाव हो जाएंगी, वलियां पड़ जाएंगी। निम्न दर्शम अंगुल्या अब पीड़ितो प्रत्युन्मनम फस्त अभिबोधकम शरणम। अब ऐसा लगता है उसमें पानी भर गया, ठीक है, कोई फिलअप फिलअप हो गया उसमें। ठीक है, प्रपीड्य एकम अंते वा अपि पीड्यते मुहुर मुहुर स्तोदम कंटु अन्नता व्याधे रूप द्रव शांति भक्ते अभिकांश। अब यहाँ पे खाने की इच्छा होगी, ठीक है, स्पष्ट पचमान में अरुचि है, यहाँ पे भक्ता अभिकांश। क्वेश्चन नंबर 14, सुश्रुत अनुसार निम्नोक्त कौन सी निर्विष जलौका है? अभी हमने डिस्कस करी थी प्रीवियस क्वेश्चन में कि कौन सी कितनी साविश जलौका और कितनी निर्विष, और कौन सी साविश और कौन सी निर्विष, जिसका रेफरेंस 13/12 सूत्र था।
एंड फर्स्ट इज इंद्रायुधा, सेकंड कर्पूरा, थर्ड इज सामुद्रिका एंड फोर्थ वन इज सावरिका। तो आंसर सबको पता होना चाहिए आई गेस, सावरिका इज निर्विष्ट का। ठीक है, वही सेम फीचर्स लिखे हुए हैं, कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका, पुंडरीक, सावरिका। याद रखना है अष्टदशांगुल प्रमाण सावरिका का है। ठीक है, मुद गवर्णा कपिला में भी आया और पिंगला में भी आया। पिंगला आशुगा, पिंगला उसका है जलोका का। यकृत वर्णा शीघ्र पायनी, दीर्घ दीक्षुमुखी, शंकुमुखी जलोका का है। अनिष्ट गंधा मूषिका आकृति, पुंडरी वो मूषिका जलोका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सुश्रुत अनुसार रक्तस्राव रोकने हेतु निम्नलोक कौन सा संकोचित सेरा के लिए उत्तरदायी होता है। इसका रेफरेंस है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 14/40। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हिम, सेकंड इज भस्म, थर्ड इज कषाय, फोर्थ इज दाह। राइट आंसर है दाहास्म। तो व्रणम 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 कषाय संध्यते। ठीक है, व्रणम कषाय संध्यते। तो कषाय द्रव्यों से क्या करना है, हमें संधान करना है। ठीक है, रक्तम स्कंद्यते हिमम। ठीक है, और जो स्कंदन करना है वो हिम से करना है। समपचाय भस्म। ठीक है, भस्म से हमें क्या करना है, भस्म जो है पाचन का कार्य करती है, पाचन करना है। और दहा संकोचित सिरा, अगर हमें सिराव को संकोच कराना है तो वहां पे दहा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सीक्वेंस भी आया था, संदानम स्कंदनम चय पाचनम दहनम तथा चरम जो है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 14/39 श्लोक नंबर है। सीक्वेंस में उसको याद रखना है कोटेशन को, संधानम स्कंदनम चय पाचनम दहनम तथा। अब ये बता दिया कि किससे क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुश्रुत अनुसार क्रिया गुणवत् समवायि कारणम किसका लक्षण है। रेफरेंस है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 40/3। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज पदार्थ, सेकंड इज द्रव्य, थर्ड इज कर्म एंड फोर्थ वन इज गुण। तो राइट आंसर है इसका सेकंड द्रव्य। तो यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, तो सुश्रुत ने जो द्रव्य का जो लक्षण है वो बताया क्रिया गुणवत् समवायि कारणम, और आचार्य चरक ने चरक सूत्र 1 में द्रव्य का क्या लक्षण कराया बताया है, यत्राश्रिता यत्राश्रिता कर्म। क्या पता है द्रव्य का लक्षण, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायि यद तत् द्रव्य। एक और विमर्श में हम एक रेफरेंस को देखते हैं, जो भाव प्रकाश ने द्रव्य की डेफिनेशन बोली है वो क्या बोली है, रसादी नाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम। ठीक है, तो ये तीनों का हमें सुश्रुत और आचार्य चरक और भाव प्रकाश तीनों का हमको याद रखना है कि क्या क्या बोली है। क्रिया गुणवत् से स्टार्ट है तो सुश्रुत ने, यत्र आश्रिता कर्म गुणा है चरक ने, और रसादी नाम पंचानाम भूतानाम है तो भाव प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 17 है, पित्त शामक रस कषाय तिक्त एवं मधु यदि गुण आधिक्य युक्त है तो पित्त शमन करने में असमर्थ होगा। ठीक है, किसका रेफरेंस क्या है, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 40/7। फर्स्ट ऑप्शन है तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष, सेकंड इज तीक्ष्ण उष्ण लघु, थर्ड इज तीक्ष्ण उष्ण विशद एंड फोर्थ वन इज उष्ण गुरु विशद। राइट आंसर क्या है इसका, तीक्ष्ण उष्ण लघु। तो जो है बात का शमन करने में क्या क्या, रुक्ष लघु और शीत जो है ये असमर्थ होते हैं। पित्त के लिए तीक्ष्ण उष्ण और लघु ये असमर्थ, और श्लेष्म के लिए स्नेह गौरव और शीत शीत ये इस पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि रोगी को वामक योग पिलाने के पश्चात वमन वेग हेतु कितने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऑप्शंस क्या है, एक याम, सेकंड एक प्रहर, थर्ड एक मुहूर्त, फोर्थ एक घटिका। तो राइट आंसर है एक प्रहर का हमें वेट करना है रोगी को वामक औषध पिलाने के पश्चात, वमन के वेग हेतु कितना प्रतीक्षा करनी है। ठीक है, एक प्रहर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस गुण द्वारा शरीर में आह्लादन लाया जाता है। फर्स्ट इज श्री, सेकंड इज द्रव, थर्ड इज स्निग्ध एंड फोर्थ वन इज मृदु। तो शीत से आह्लादन लाया जाए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वेदनो उप शांति अस्त्रिक प्रसादों मार्दवम शाम, यह लाभ निम्नलिखित किस कर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका रेफरेंस है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 18/29। ऑप्शन है फर्स्ट इज पत्रदान, सेकंड इज निर्वापरम, थर्ड इज अविपरीत बंध, फोर्थ वन इज रक्त मोक्ष। इसका आंसर है अविपरीत बंध, थर्ड ऑप्शन इज सरे। कैसा
आ विपरीत बंदे वेदनो शांति अर्स के प्रसादो आदेव जो। तो यहाँ पर हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज के सेशन में हमने ये 20 क्वेश्चंस शिशु सूत्र स्थान प्रीवियस या पेपर से कंपाइल करके आपके सामने इनके आंसर, रेफरेंसेस, सूत्र, कुछ काउंटर पार्ट्स और कुछ काउंटर श्लोक उनसे रिलेटेड सब, उनको उनको हमने चरक से भी कुछ क्वेश्चंस का कंपैरिजन लिया। तो हमने ये सब कुछ आज के सेशन में डिस्कस किया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और भी कोई अगर डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स बॉक्स में अपनी क्वेरी को टाइप कर सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे आपको। और सेशन आपको आज का अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।